लखनऊ में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात के साथ खुलासा। मडियाव पुलिस ने डबल मर्डर का सनसनीखेज खुलासा किया। कथित प्रेमिका के साथ रह रहे अधेड़ की गला दबाकर की हत्या। जमीनी विवाद में बेटों और पोतों ने मिलकर पिता और कथित सौतेली मां का गला दबाकर की हत्या। पुलिस ने आनन फानन में वारदात को अंजाम देने वाले सभी 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दूसरी पत्नी के कहने पर अधेड़ बेचना चाहता था अपनी कीमती जमीनें। बेटे और पोते कर रहे थे जमीन बेचने का विरोध। बुजुर्ग नहीं माना तो कर दी गला दबाकर हत्या। नवभारत समाचार लखनऊ उत्तर प्रदेश से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। ये बीती रात्रि घटना है और घटना करीब रात्रि 9:30 से 10 बजे के बीच की है, जिसकी सूचना हम लोगों को कंट्रोल रूम के माध्यम से रात में करीब 1 बजे के आसपास मिली है। जिनकी हत्या की गई है वो है, एक है रामदयाल जिनकी उम्र 70 साल है और दूसरी शांति देवी, इनकी उम्र 60 ईयर्स है। रामदयाल शांति देवी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। रामदयाल की अपनी पत्नी जीवित है, उनके रामदयाल के 5 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, वो लोग अलग रहते हैं। जो हत्या का कारण ज्ञात हुआ है वो ये है कि रामदयाल जिस महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे यानी शांति देवी के साथ, वो उसके कहने पर अपनी बेशकीमती जमीन बेच रहे थे। रामदयाल के पास कुल 2 बीघा पक्का जमीन है। उस 2 बीघा जमीन में से 6.5 बिस्वा जमीन, जो काफी बेशकीमती है, इटौंजा में सड़क के किनारे बाग के रूप में है, उसका इन्होंने सौदा किया था करीब 57 लाख में। इस 57 लाख में 11.5 लाख इनके खाते में आ चुके थे और 4 लाख इनके ये जो महिला थी जिसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे उसके बेटे मोनू, उनके खाते में आ चुके थे। इस बात से रामदयाल के जो पहली पत्नी से जो 5 बेटे हैं उनको काफी नाइतफाकी थी और विवाद चल रहा था कुछ दिनों से। वो लोग इसको बार बार कह रहे थे कि आप हमारी जमीन मत बेचो, आप बेच दोगे तो हम हमारे बच्चे क्या खाएंगे क्या पिएंगे। कल रात भी इनके ये 3 बेटे, रामदयाल के पहली पत्नी के 3 बेटे और एक अन्य बेटे के 2 बेटे, मैंने 3 बेटे और 2 पोते यहां आए समझाने बुझाने प्रयास किए। बताया जाता है कि इस बीच उस महिला ने जो शांति थी उसने ये कहा कि अभी ये जमीन क्या बेची है, अभी तो हम सारी जमीन बेच के करके बेच लेंगे, सारा पैसा बेच लेंगे। इसी उत्तेजना में आकर के, गुस्से में आकर के, आक्रोश में आकर के इन लोगों ने इन दोनों व्यक्तियों की, मैंने अपने पिता की और पिता की दूसरी महिला की, शॉल से गला दबा के हत्या कर दी। पुलिस खबर मिली, पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा पंजीकृत हो चुका है, आगे भी कार्रवाई की जा रही है।